आउट प्ले क्या होता है या आफ्टर प्ले क्या होता है, क्या करना जरूरी है, तो इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखिए क्या है कि बहुत सारी औरतें जो है ना वो सेक्स में खुश नहीं रहती है, वो खुशी नहीं पाती है, क्योंकि औरतों को एक्साइट होने को, तैयार होने को बहुत समय लगता है। और एक बार वो तैयार हो गई, एक्साइटेड हो गई, तो उसके बाद में भी उसको लगता है कि भाई उसको पूरा समाधान, चरम सीमा पे उसको पहुंच जाना, मतलब पहुंचाना या उसने पहुंच जाना, ऑर्गेजम उसको आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसको लगता है। और वो जो नहीं मिला तो बाद में सेकंड टाइम वो तैयार होती नहीं, फिर दूसरे तीसरे दिन भी तैयार नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसको तो सुख मिल गया, ऑर्गेजम हो गया, चरम सीमा पे पहुंच गई, और तभी भी उसको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे वापर लिया गया, मेरा यूज किया गया। और वो होता कब है? वो होता है कि सेक्स करने के तुरंत बाद पुरुष अलग हो जाता है, कपड़े पहनता है, सो जाता है या चले जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा वापर कर लिया। तो यदि आफ्टर प्ले या आउट प्ले यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली ऐसी जो भावना है वो आपके फीमेल पार्टनर में नहीं आएगी। देखिए सेक्स जो है यूजुअली अक्सर जो टाइम लोगों को लगता है वो 15 से 25 मिनट तक का टोटल सेक्स का टाइम है। अब 15 से 25 मिनट समझो आपने पकड़ा, तो उसमें एक फोर प्ले है जो 5 से 10 मिनट हो सकता है। फोर प्ले जहाँ किसिंग, हगिंग, हाथ घुमाना, मसाज करना 5 से 10 मिनट है, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना, फिंगरिंग करना, ये सब होता है। फिर सेकेंड पार्ट होता है इंसर्शन का, जब लिंग का प्रवेश योनि में होता है और वहाँ इजैकुलेशन होता है, पतन होता है, तो वो एक पार्ट है, वो 5 मिनट का है अप्रॉक्सीमेटली एवरेज में। और वो पतन होने के बाद में फिर जब दोनों बाजू हो जाते हैं तो उसके बाद में 5 से 10 मिनट आफ्टर प्ले करना चाहिए या आउट प्ले करना चाहिए। और आउट प्ले में क्या होता है? आउट प्ले में वही है कि भाई एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में तुरंत बाजू हो जाना और सो जाना, इसके बदले साथ में सोते हैं, साथ में मसाज करते हैं एक दूसरे का, किसिंग करते हैं, हगिंग करते हैं, बाद में भी चिक्स को लव बाइट्स देते हैं, एक दूसरे को कपड़े पहनाते हैं, साथ में स्नान करते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप उसके हो सकते हैं कि इजैकुलेशन हो गया, पतन हो गया, उसके बाद में भी साथ में हो, क्योंकि औरत को वो भी चाहिए रहता है। औरत को फोर प्ले और आफ्टर प्ले में बहुत इंटरेस्ट है और पुरुष को, लड़कों को इंसर्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो दोनों को भी सुख मिलेगा, समाधान मिलेगा और दोनों को मजा आएगी और फिर नेक्स्ट टाइम भी वो स्त्री तैयार हो जाएगी। यूजुअली क्या होता है कि यदि इरेक्शन फट से हो गया, फट से इंसर्शन कर दिया, इजैकुलेशन जल्दी कर दिया, बाजू हो गए, औरत बोलती है कि भाई मैं तो शुरू भी नहीं हुई, आप तो खत्म भी हो गए, आपने तो खत्म भी कर लिया और ये शुरू भी नहीं हुई, जिसको मजा आता नहीं उसको लगता है कि उसमें कुछ मजा नहीं, कुछ तो भी होता है गड़बड़, जान तो छोड़ दो, अगले बार वो तैयार ही नहीं होती। तो इसलिए फोर प्ले, प्ले मतलब इंसर्शन और आफ्टर प्ले ये करते तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।